हेलो एंड वेलकम टू एस पी एम आई एस एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं उससे रिलेटेड एम सी क्यूज आप अटेम्प्ट करते हैं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फैकल्टी रिव्यू हाउ एवर हैविंग सेट दैट इन टूडेज़ क्लास आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी क्वेश्चन विद यू ये क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन और आपको इसे खुद से अटेम्प्ट करना होगा मैं इससे रेलेवेंट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको आप अटेम्प्ट करके टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करिए और मैं आपकी कॉपीज़ रिव्यू करूँगा देखिए अभी मैंने जितने टाइम से ये सेशन स्टार्ट करा है और बहुत सारे बच्चों की कॉपीज़ चेक करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि बहुत से बच्चे अभी भी अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं या तो वो मेरी दी हुई लैंग्वेज पी की यूज़ कर लेते हैं या फिर वो किसी इंटरनेट के सोर्स को खोल करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मुझे कॉपी पेस्टिंग तुरंत समझ में आ जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइस आर कॉपिंग फ्रॉम द सेम सोर्स तो मुझे एक ही जैसे दो सेम आंसर दिखेंगे और मैं समझ जाऊंगा कि ये कॉपिंग का काम है तो कॉपी पेस्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेशन का ऑब्जेक्टिव कि आप नॉलेज आपकी बढ़े और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें जिससे वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो देखिए एक बात आपको समझनी होगी आप सभी लोगों को कि ये आंसर राइटिंग जो है इसमें थ्री आवर्स में आपको टू फिफ्टी मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सोचने का टाइम और थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता है पेपर में तो अगर आप प्रैक्टिस हैं तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे विदाउट प्रैक्टिस आपसे नहीं होगा तो इट्स इंपॉर्टेंट आप लोग खुद से ही आंसर लिखें आज का क्वेश्चन देखते हैं टुडेज क्वेश्चन इज़ ऑन द चैलेंजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आसाम इट इज़ रेलिवेंट फ्रॉम द पेपर सिक्स आसाम बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है इट इज़ जस्ट आस्किंग यू टू डिस्कस द चैलेंजेस टू बायो अभी तक आपको पता है कि जब भी डिस्कस करने को बोला जाता है तो बोला बताया जाता है कि सारे एस्पेक्ट बताएं उसके और एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस से अपनी बात को प्रूफ करना होता है इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप बता दें कि क्या असम की बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्पेशलिटी है कि उसके बारे में हम सोच भी रहे हैं कि क्यों चैलेंजेस हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के पॉइंट्स से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं सेकेंडली आपको बताना होगा कि चैलेंजेस क्या हैं आसाम की बायोडाइवर्सिटी के लिए को लेकर के देन कुछ वे फॉरवर्ड पॉइंट्स की कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है आसाम की बायोडाइवर्सिटी को एंड इन द एंड यू कैन पुट सूटेबल कंक्लूजन देखिए इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी पड़ेगी कि लिखने को बहुत होगा आपके पास ओनली 250 फिफ्टी वर्ड्स एक्चुअली आपकी लिमिट है बट इस क्वेश्चन में आप लिखने जाएंगे तो यू कैन इवन राइट एन एस एन दिस क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स या स्कीमेटिक्स फ्लो फ्लोचार्ट्स के थ्रू अपनी बात को समराइज़ करना होगा इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं कैसे इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं सबसे पहला तो आप बता सकते हैं एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन कि आसाम जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सत्यजीत सर ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट होता है और इस वजह से आसाम की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और उसको प्रोटेक्ट करा जाना है दूसरे टाइप का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि आसाम इज आट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ टू बायो जो जोग्रफिकल रीजन्स नाव अगर वो कॉन्फ्लुएंस में होता है तो ऑब्वियस है कि ईकोटोन इफ़ेक्ट की वजह से उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी आप में से जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को थोरली पढ़ा हुआ है उनको पता होगा इकोटोन इफ़ेक्ट क्या होता है तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स के अपनी बात को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस आंसर को लेट अस लुक एट चैलेंजेस क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी के देखिए मैंने जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सर्टेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है हाउ मैंने डिस्क्राइब नहीं करा है आपके लिए डिस्क्राइब आप खुद से करेंगे सबसे पहला चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में आप बता सकते हैं कि कैसे जो ब्रह्मपुत्रा पे डैम्स हैं डिफरेंट रिवर पे डैम्स हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में सबमर्जेंस हो जाती है या सिल्टेशन हो जाती है सिल्टेशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं सिमिलरली आप बता सकते हैं कि हिल स्लोप्स पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है हिल स्लोप में कंस्ट्रक्शन होने से लैंडस्लाइड होता है डिफॉरेस्टेशन होती है ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं फ्लड्स ज़्यादा आती हैं इसके अलावा आप एक और बात यहाँ पर बता सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन उससे क्या बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बाद आप डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट नहीं है और वो एनिमल्स भी ख़त्म हो रहे हैं इसमें आप रिसेंटली देहिंग पटकाई का एग्जाम्पल देंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है इसके बाद आप पोल्यूशन और एमिशन से जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि कोल माइनिंग से कैसे पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट हमारे जो आसाम के अर्बन एरियाज़ हैं कैसे वो वेस्ट डम्पिंग कर देते हैं और वेस्ट डंपिंग होने की वजह से जो फॉरेस्ट है उनका लॉस होता है जिससे कि बायोडायवर्सिटी का लॉस है इसके अलावा बहुत सारी बर्ड्स हैं जो उसी वेस्ट पर फीड करती हैं एंड टाइम्स दीज बर्ड्स ऑल्सो डाई बाई फीडिंग बाई फीडिंग ऑन दैट वेस्ट तो आप इसके बारे में बता सकते हैं इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कोपिली रिवर में कैसे पोल्यूटेंट्स रिलीज़ हुए थे जिसकी वजह से मैन मेड एक डिज़ास्टर हो गया था पोल्यूटेड वाटर होता है वहाँ की फ़िशेज़ डाई हो रही हैं इसके अलावा डिज़ास्टर भी हुआ प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में आप बता सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट जो है फ़ूड चेन में एंटर हो गया है एज अ रिज़ल्ट इट इज़ कॉजिंग द बायो मैग्नीफिकेशन तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को चैलेंज है इसके अलावा पोचिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ पर जो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से लोग शिकार कर लेते हैं यू कैन डिस्कस दैट पार्ट आल्सो इसके अलावा इन्वेसिव स्पीशीज़ की आप बात कर सकते हैं अगर आपको याद होगा सत्यजीत सर ने बताया था कि मणिपुर के लोकटक लेक में इन्वेसिव स्पीशीज़ के एग्जाम्पल मिले हैं दिस वॉज डिस्कसड इन द ट्वेंटी सेवंथ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी न्यूज़ पेपर तो आप बता सकते हैं कि कैसे वो चीज़ें जो इन्वेसिव स्पीशीज़ मणिपुर में मिली हैं दे कैन ऑल्सो कम टू द आसाम ऑल्सो इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है आप बता सकते हैं कि एंथ्रैक्स का जो बायो डिज़ास्टर्स होते हैं जिसमें एंथ्रैक्स वायरस अटैक्स ये सब भी आसाम में स्प्रेड हो रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए एट्थ दिसंबर का और ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर का न्यूज़पेपर आप रेफर करिए आपको डिटेल में समझ में आएगा एंथ्रैक्स की वजह से क्या हो रहा है और लास्टली एक रीज़न आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे लॉस ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी करवा रहा है आपको पता है एग्रीकल्चर में एक ही कॉमन एक ही क्रॉप जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मोनोकल्चर जिसे बोला जाता है वो ज़्यादा पॉपुलराइज होता जा रहा है धीरे धीरे तो उसकी वजह से लोकल स्पीशीज़ जो होती है वो ख़त्म होने लगती हैं तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो होता है या हर्बिसाइड्स होता है दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज टू द बायोडाइवर्सिटी यू कैन डिस्कस दैट ऑल्सो सो यू कैन सी देर आर टू मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस सो मच टू डिस्कस इन दिस आंसर बट यू हैव टू समराइज एवरी थिंग ओनली इन द टू फिफ्टी वर्ड्स सो इस बात को याद रखिएगा कि इन सच अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कॉन्टेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट तो यू विल हैव टू स्पेंड टाइम टू प्रिपेयर योर रेलिवेंट कॉन्टेंट एंड देन स्ट्रक्चर द इंटायर थिंग विद इन ओनली टू फिफ्टी वर्ड्स दैट मीन्स वन फुल ए फोर शीट एंड सेकेंड ए फोर शीट का ओनली वन साइड लेटेस्ट सी क्या वे फॉरवर्ड आप इसमें लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब कि कौन कौन सी सरकारों ने हमारे लॉ बनाए हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे हमारे लॉस प्रोटेक्ट कर पाते हैं और क्या क्या उनको स्ट्रेंथन करा जाना है क्या बेटर करा जाना है यू कैन टॉक अबाउट दैट दैन यू कैन टॉक अबाउट द पुलिसिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे लॉज को बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या अभी चीज़ें बेटर होनी है यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द पब्लिक अवेयरनेस एंड uh, लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी को लेके एंड यू कैन ऑलसो टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके अलावा आप बता सकते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशनस को भी कैसे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाना है आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रामसार कन्वेंशन एंड अदर सच कन्वेंशन जिसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होनी है देखिए वे फॉरवर्ड में आई एम नॉट आस्किंग कि आप बिल्कुल नया कोई सजेशन दे दें अपनी तरफ से आप सिंपल मेजर्स भी लिख सकते हैं दैट देयर शुड बी बेटर पोलिसिंग टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एक सिंपल लाइन भी आपकी इफेक्ट uh, ला सकती है कोई बड़ी बात नहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के बिल्कुल कोई बहुत ही नया ही सजेशन लेकर के आना है सिंपल बात भी कर सकते हैं एंड इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन डिस्कस दैट वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन

आप भारत सरकार के किसी मिशन के बारे में भी डाल सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट राइनो विजन इनके बारे में भी आप डाल सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने एफर्ट कर रही है इन द कंक्लूजन पार्ट सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन टॉक अबाउट इन द कंक्लूजन लेट लेटेस्ट लुक एट द आंसर फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक विच वॉज गिवेन यस्टरडे दीज आर द आंसर यू कैन रेफर टू दीज आंसर्स सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज सेशन थैंक यू